हाय एवरीवन, आज की ट्रिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी से, जो कि एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, पेज नंबर 286, 11th क्लास बुक। इसमें पहले आपको याद रखना है कि पी क्यू आर एस और टी क्या डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है, आपको याद रखना है डियर डॉक्टर, ये एक निमोनिक बनाया है मैंने, डियर डॉक्टर। तो डियर में शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा डियर का डी और डॉक्टर का डी आर। तो इसमें डियर डॉक्टर डी डी आर में आपको याद रखना है डी फॉर डीपोलराइजेशन, और डॉक्टर में डी फॉर डीपोलराइजेशन और आर फॉर डीपोलराइजेशन। मतलब सबसे पहले हमारा डीपोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, लास्ट में डीपोलराइजेशन होगा। तो डीपोलराइजेशन सबसे पहला वेव जो है पी में होगा, फिर सेकेंड का डीपोलराइजेशन क्यू आर एस वेव में होगा, और लास्ट में रीपोलराइजेशन टी वेव में होगा। तो पी क्यू आर एस और टी, तो हमको ऐसे याद रखना है ये डियर डॉक्टर डी डी आर। मतलब पहले डीपोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इन पी वेव, डीपोलराइजेशन इन क्यू आर एस, रीपोलराइजेशन इन टी वेव। अब हम देखते हैं हमारा पी वेव को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो पी वेव के लिए मैंने ट्रिक बनाया है पी पी जो कि मटर होता है। तो पी में पी फोर होता है पी वेव, ई फोर होता है एक्साइटेशन ऑफ, ए फोर होता है एट्रिया। तो पी वेव में क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया और या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो आपको तो पहले ही मैंने बता दिया है कि सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा, तो डीपोलराइजेशन मतलब पी में आ गया, फिर डीपोलराइजेशन क्यू आर एस में आएगा, फिर लास्ट में डीपोलराइजेशन टी में आएगा। सेकेंड हमको यहाँ पे दिया है क्यू आर एस, इसे आप डायग्राम में देख सकते हो। क्यू आर एस एक उल्टा वी शेप का बन रहा है, अपोजिट। मैंने इसे इसको सीधा करके भी बताया है कि ये वी शेप का हो रहा है क्यू आर एस। तो वी शेप, तो वी से आपको याद रखना है वेंट्रिकल, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। फर्स्ट में भी डीपोलराइजेशन, सेकंड में भी डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है। और आपको क्यू से यहाँ पे याद रखना है क्यू फॉर क्यूइन साहिबा, क्यूइन साहिबा। तो क्यूइन साहिबा में क्यूइन फॉर क्यू वेव, और साहिबा में दो हम ट्रिक निकालेंगे निमोनिक में से, साहिबा फॉर स्टार्ट, साहिबा फॉर सिस्टोल। तो स्टार्ट ऑफ सिस्टोल बिगिंस फ्रॉम क्यू वेव। लास्ट से हमारा याद रखने के लिए जो आता है वो है टी वेव। टी वेव एंडिंग ऑफ सिस्टोल है, और वी कैन कॉल इट, इसमें रीपोलराइजेशन होता है। तो जैसे कि हमने याद रखा था डियर डॉक्टर वाला, तो डियर डॉक्टर में डी आर में लास्ट में आर था, मतलब लास्ट में रीपोलराइजेशन होगा। तो फर्स्ट में पी पी वाले में पी वेव में हमने देख लिया डीपोलराइजेशन है, क्यू आर एस में डीपोलराइजेशन, और लास्ट वाले में रीपोलराइजेशन है। तो टी वेव का ट्रिक है याद रखने का, मैंने निमोनिक बनाया है विराट्स, विराट कोहली को तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो विराट्स से याद रखना है, यहाँ पर विराट्स में वी फोर है वेंट्रिकल और आर फोर है रीपोलराइजेशन। वी और आर में यहाँ पर क्या निमोनिक निकल रहा है, वी फोर वेंट्रिकल एंड आर फोर रीपोलराइजेशन। और यहाँ पर ई और एस, ई और एस से आपको निकालना है ई फॉर एंड ऑफ, एस फॉर सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल। तो विराट्स में ये सब हो गया। विराट्स में अगर टी को आप याद रखना चाहो तो टी फॉर टी वेव होता है, और यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ईसीजी का ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को याद रख सकते हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का हर, मतलब एनसीईआरटी में हर डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।